फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज आप लोग के लिए एक न्यू पैटर्न आया है हेयर क्लिप का। ये देखिए, हमने एक न्यू पैटर्न रेडी किया है, फिश पैटर्न है ये। आज हम आपको अपनी वीडियो में ये हेयर क्लिप का पैटर्न बनाना बताएंगे। चलिए पहले इस हेयर क्लिप को देख लेते हैं हम। इस तरीके से देखिए, है बहुत ही प्रिटी सी है। एक्चुअली ये हमें एक ऑर्डर मिला हुआ है इस हेयर क्लिप को रेडी करने का। तो एक पीस तो हमने रेडी कर लिया है, बट हमें पेयर में रेडी करना है। तो सेकंड पीस हमने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लेते हैं, ताकि आप लोग भी इस पैटर्न को रेडी करिए। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि हमें किस किस चीज़ की नीड होगी। देखिए, हमें इसके लिए हम थ्रेड ले रहे हैं। ये दो थ्रेड्स हम ले रहे हैं, लाइट एंड डार्क शेड करके। आप जो भी कलर यूज़ करें, चाहे रेड, पर्पल, जो भी एनीथिंग कलर आप यूज़ कर रहे हो, बस आप इतना ध्यान रखें कि उसका लाइट डार्क दो शेड आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर ये कुछ इस तरीके की सिल्वर थ्रेड है ये, जो हमने इसके लिए यूज़ किया है। आप सिल्वर ना अवेलेबल हो तो आप गोल्डन यूज़ कर लीजिए, गोल्डन सिल्वर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमें नीड होगी हुक की। हुक साइज़ देखिए, हम 2.5 mm का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपनी क्लिप को इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ रखना चाहते हो, तो आप 2 mm हुक साइज़ यूज़ कर लीजिए। 2 mm या 2.5 mm, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतना डिफरेंस आपका होगा कि अगर आप 2 mm यूज़ करेंगे तो इससे साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एंड 2.5 mm यूज़ करेंगे तो ये सेम साइज़ आएगा जो हमने वर्क किया है। इसके अंदर हमें नीड होगी क्लिप की। ऑब्वियसली बात है, क्लिप की नीड तो होगी ही। सीज़र, ग्लू, एंड हमें फैब्रिक ग्लू की नीड होगी, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं आप लोग को उसका जब वर्क इसमें होगा तब मैं आप लोग को दिखा दूँगी। इसके अंदर इस टाइप की ये फेल्ट शीट की हमें नीड होगी। चलिए फिर अब हम पैटर्न स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम अपने डार्क वाले शेड से वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरीके से एक मैजिक रिंग वर्क कर लें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने सारे प्रोडक्ट सेल भी करती हूँ, तो अगर आप लोग में से कोई भी ये हेयर क्लिप को ख़रीदना चाहते हो, या अगर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज भी करना चाहते हो, जैसे कलर्स वगैरह दूसरे बनवाना चाहते हो, तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए कि अगर आप ये हेयर क्लिप लेना चाहते हो या कस्टमाइज कराना चाहते हो। चलिए फिर अब इस पैटर्न पर आ जाते हैं। देखिए, हमने मैजिक रिंग वर्क की। मैजिक रिंग के लिए नॉर्मल हम लोग एक 1 chain का वर्क करते हैं। इसके बाद से हमने 2 more chain ली है। ये हमारी चेन इसमें काउंट नहीं होगी। अब हम इसी मैजिक रिंग में वर्क कर रहे हैं डबल क्रोशिया का। सॉरी, इसमें ऐसे डबल क्रोशिया वर्क करते चले। टोटल हमें 12 डबल क्रोशिया का वर्क करना है। देखिए, 3 हमने वर्क कर लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 12 डबल क्रोशिया हमारे वर्क हो गए। 2 chain जो हमने ली थी स्टार्टिंग में, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर रहे। इसको पुल कर लेंगे, टाइटली पुल करें। एंड यहाँ से जो हमारी स्टार्टिंग की ये फर्स्ट डबल क्रोशिया का वर्क है, इस पर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अगेन 2 की chain लेंगे। 2 की chain हमारी काउंट इस नहीं होगी इसमें भी। एंड सेम स्टिच जहाँ हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइनिंग की है, इस पर हम लेंगे डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया, इन द सेम स्टिच अगेन 1 more डबल क्रोशिया, मीन्स 2 डबल क्रोशिया इन द 1 stitch। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। इस रो में हमें एवरी स्टिच पे 2 डबल क्रोशिया का वर्क करना होगा। लास्ट रो में हमने जैसे 12 डबल क्रोशिया का वर्क लिया था, तो इस रो में टोटल हमारे पास 12 × 2 = 24 डबल क्रोशिया का वर्क होना चाहिए। प्रॉपर काउंटिंग के साथ इसको वर्क कर लें।
इसको यहाँ तक कंप्लीट करें। ये देखिए यहाँ तक हमने वर्क किया। अभी हमारे ये 23 डबल क्रोशिया हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट स्टिच पे यहाँ हमने डबल क्रोशिया लिया था, यहाँ हमने 2 की चेन ली थी, बट ये हमारे काउंट नहीं हो रही है। तो फिर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगी कि यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया कैसे होगा, मीन्स 24 कैसे कम्प्लीट होगा। तो जो हमारी ये स्टिच है, देखिए जो हमारी ज्वाइनिंग वाली स्टिच थी, ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, इसी स्टिच पर हम जहाँ पे हमने ये 2 की चेन ली थी, इस पर हम 1 मोर डबल क्रोशिया ले लेंगे। इस तरीके से हमारे ये 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे। एंड जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, इस पर हमें देखिए ज्वाइन करना है, बट यहाँ हमें थ्रेड चेंज करना है। देखिए हम अपना ये लाइट वाला शेड जो है, इसको हम लेंगे। इस तरीके से इसको राउंड कर लें। जो हमारा ये वर्किंग थ्रेड है, इसको हम ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे पहले हम 1 चेन ले लेते हैं, ताकि ये थ्रेड थोड़ा सा होल्ड हो जाए यहाँ पे। फिर इसको अब थोड़ा सा टाइट कर लें, जो हमारे दोनों ये थ्रेड्स हैं। यहाँ पे हम 2 की चेन ले लेंगे। एंड सेम स्टिच पर ही, जहाँ हमने ज्वाइनिंग की हुई है, इस पर हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये जो बैक साइड वाले थ्रेड्स हैं, इसको भी हम साथ में इसमें अंदर करते चल रहे हैं। देखिए इस तरीके से, हाफ डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, 1 मोर हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस रो में हमें एवरी स्टिच पर 2 हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करना होगा। आप चाहें तो थ्रेड को यहाँ पे ये कट भी कर सकते हैं। इस थ्रेड को भी हम कट कर देते हैं। ध्यान रखें कि अपना वर्किंग थ्रेड ना कट कर दें आप। अब इसको हम इसका राउंड ऐसे ही एवरी स्टिच पर 2 हाफ डबल क्रोशिया का वर्क लेते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये रो हमारी यहाँ तक वर्क हो गई है। एंड में देखिए सेम पैटर्न पर हमने यहाँ पे भी एक हाफ डबल क्रोशिया ले लिया है, जिससे हमारी ये टोटल 2 हाफ डबल क्रोशिया एवरी स्टिच पे हो गए। अब जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, इस पर हम इसको ज्वाइनिंग कर लेते हैं विद द स्लिप स्टिच। देखिए इस तरीके से राउंड पैटर्न हमारा ये वर्क हो गया। अब हमें इस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट स्टिच पर हम लेंगे स्लिप स्टिच, अगेन इन द नेक्स्ट वन स्लिप स्टिच। इस तरीके से यहाँ से देखिए अब हम चेन वर्क करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 7 चेन हमने लिए हैं। यहाँ से देखिए फर्स्ट वाली जो हमारी ये हुक पे, देखिए हमारी फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड वाली से हम सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4 फ्रेंड्स, फाइव एंड सिक्स सिक्स सिंगल क्रोशिया का वर्क हमने लिया है। यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से हम टर्न करेंगे। टर्न करके देखिए बैक साइड पे आ गए। यहाँ जो हमने स्लिप स्टिच की हुई थी, इसी के नीचे वाली स्टिच से देखिए इस तरीके से हम स्लिप स्टिच हमने कर लिया। इसको 1 चेन लेंगे, अगेन इसको इस तरीके से देखिए हम टर्न करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी स्टिचेस हैं, इसमें देखिए आप 2 लूप्स हैं, 1 एंड 2। हमें इस लूप पे वर्क करना होगा, मीन्स बैक लूप पे। देखिए फर्स्ट वन को हम स्किप कर दे रहे हैं। वन
टू थ्री फोर एंड फाइव। देखिए टोटल हमने फाइव ये वर्क किए हैं। वन चेन लेंगे, यहाँ पे ऊपर एक को देखिए हम स्किप कर दिए हैं, फिर टर्न कर लिया हमने इसको। अगेन यहाँ पे देखिए हम कोई भी फर्स्ट में स्किप नहीं कर रहे हैं, वन बैक लूप पे ओनली हम वर्क कर रहे हैं, टू थ्री फोर एंड फाइव। इस तरीके से देखिए हमने वर्क कर लिया। यहाँ पे अगेन हम देखिए इसको जो हमारी यहाँ पे स्लिप स्टिच हमने की थी, इसके नीचे से यहाँ से हम इसको अगेन स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, वन चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। देखिए आप इसको फ्रंट साइड से देखिए, ये एक्चुअली ये हमारा बहुत नीचे से आ रहा है, इसको हम अगेन एक बार स्लिप स्टिच करते हैं। जस्ट ट्राई टू गिव इट फ्रॉम द स्लिप स्टिच, यस लाइक दिस, वन चेन टर्न। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन को हम स्किप कर रहे हैं, सेकंड वन पे हम लेंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वन अगेन स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वन सिंगल क्रोशिया। यहाँ से देखिए अब हम थ्री चेन्स लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फर्स्ट वन को देखिए हमें स्किप करना है, सेकंड वन पे हम लेंगे वन सिंगल, नेक्स्ट वन वन सिंगल, नेक्स्ट वन अगेन वन सिंगल, इन द नेक्स्ट वन वन स्लिप स्टिच, अगेन इन द नेक्स्ट वन वन स्लिप स्टिच। यहाँ से देखिए अगेन अब हम इसके बैक साइड से इसको स्टिच पर इसके स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न किस टाइप से आ रहा है, ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे आया है, अब ये इस साइड ऐसे जाएगा। यहाँ पे वन चेन ले लेते हैं हम टर्न करके, जो ये फर्स्ट स्टिच है देखिए इसको हम स्किप कर रहे हैं, सेकंड वन पे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वन अगेन स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट अगेन सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे हमने लास्ट रो तक वर्क किया, अब यहाँ पे हम टू की चेन लेंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे, फर्स्ट स्टिच पर हम देखिए फर्स्ट को स्किप किया है, सेकंड पे हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट एंड लास्ट वन सिंगल क्रोशिया, लास्ट फॉर द सिंगल क्रोशिया। नाउ हैव द टू वन इट्स स्लिप स्टिच, वन एंड टू, नाउ अगेन ज्वाइन विद द स्लिप स्टिच लाइक दिस। आप देख सकते हैं इसका पैटर्न किस टाइप से आया है। यहाँ से इसको थ्रेड करके, सॉरी थ्रेड को कट कर लेते हैं, एक नॉर्मल से ऐसे कर लेते हैं इसको, सॉरी ये देखिए इस थ्रेड को हमने पीछे की साइड ऐसे कर दिया है। यहाँ पे थ्रेड्स, सॉरी फ्रेंड्स आज कुछ मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी वीडियोस बार बार स्टॉप हो जा रही हैं। तो देखिए ये थ्रेड को हमने बैक साइड ये कर दिया है, इसको हम कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको स्टिक करेंगे ऐसे तो सारे थ्रेड से सिक्योर हो जाएंगे। अब हम इसका ये वाला वर्क करते हैं। इस वर्क के लिए देखिए अगेन हम ये डार्क कलर अपना यूज़ करेंगे, ये वाला कलर। यहाँ से हम देख लेते हैं एक बारी, थर्ड स्टिच से हमने देखिए वर्क किया हुआ है, देखिए यहाँ से टू स्टिचेस को स्किप कर लेते हैं, अगेन एक बार चेक कर लें, यस थर्ड वन से, सो वन टू एंड थ्री, दिस वन इज द थर्ड वन। इस तरीके से थ्री
फोर टोटल हमने देखिए फोर चेन्स ली हुई हैं। फर्स्ट वन को हम स्किप करेंगे, सेकंड वन पे हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट एंड लास्ट वन सिंगल क्रोशिया। टोटल थ्री सिंगल क्रोशिया का वर्क किया। नेक्स्ट स्टिच पे हम देखिए अपनी यहाँ पे, और इस थ्रेड को भी साथ में कर लेते हैं, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं। वन चेन ले लें, इसको टर्न कर लें, टर्न करने के बाद से देखिए फर्स्ट को हम स्किप करेंगे, सेकंड वन पे हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन सिंगल क्रोशिया, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। देखिए ये वाली जो हमारी इसके ऊपर की है स्टिच, इसको हम स्किप कर रहे हैं, वन चेन ले लेंगे टर्न करके, नेक्स्ट स्टिच पे हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, अगेन इन द नेक्स्ट वन सिंगल क्रोशिया। टू सिंगल क्रोशिया का वर्क हमने लिया है। यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं विद द स्लिप स्टिच, वन चेन, अगेन टर्न। फर्स्ट को देखिए हम स्किप कर रहे हैं, सेकंड वन पे हम ले रहे हैं वन सिंगल क्रोशिया एंड वन चेन, टर्न। एक स्टिच को हम स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट वन पे देखिए हम ले रहे हैं सिंगल क्रोशिया एंड इसको अब हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा पैटर्न आप देख सकते हैं, सेम पैटर्न हमारा ये आ गया है। यहाँ से अब हम थ्रेड को कट कर लेते हैं। इस तरीके से बैक साइड करके छोड़ दें थ्रेड्स को। अब हमें देखिए आप इसको, हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, अब हमें इसको वर्क करना है। देखिए यहाँ से अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, सिक्स स्टिचेस हमें स्किप करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवेंथ वन पे हम ज्वाइन कर ले रहे हैं इसको। वन टू थ्री एंड फोर, टोटल ये फाइव हो गए हमारे, इसको भी हम काउंट कर ले रहे हैं। फर्स्ट वन को देखिए हम स्किप करेंगे, सेकंड वन पे वन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट एंड लास्ट वन वन सिंगल क्रोशिया। टोटल देखिए हमने ये फोर सिंगल क्रोशिया का वर्क किया। नेक्स्ट स्टिच पर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्लिप स्टिच, वन चेन, टर्न इट। यहाँ से देखिए फर्स्ट वन को स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट वन पे वन सिंगल, नेक्स्ट वन सिंगल, नेक्स्ट वन सिंगल, थ्री सिंगल क्रोशिया का वर्क हमने किया है। इसको हम स्किप कर रहे हैं, वन चेन लेंगे टर्न, ठीक है, इसको हम अब स्किप करेंगे फर्स्ट वन को, नेक्स्ट वन पे हम ले रहे हैं वन सिंगल, नेक्स्ट वन सिंगल एंड द नेक्स्ट वन इज स्लिप स्टिच। ठीक है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया, वन चेन टर्न, फर्स्ट वन को स्किप कर रहे हैं, सेकंड वन पे स्लिप स्टिच, वन सिंगल क्रोशिया, द नेक्स्ट वन सिंगल क्रोशिया, वन चेन टर्न, स्किप द फर्स्ट वन, दिस वन इज वन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन इज जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखिए हमें इस पर नहीं वर्क करना होगा, वन सिंगल क्रोशिया एंड वन स्लिप स्टिच एंड जॉइन विद द स्लिप स्टिच, मे बी नो लिटिल बिट मिस्टेक, यस वी हैव टू वर्क इन दिस सिंगल क्रोशिया, टर्न, वन सिंगल,
टू सिंगल स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच इन दिस, क्योंकि ये हमारे थ्री, इसमें फोर है, वन टू थ्री एंड फोर, अभी हमारे थ्री पैटर्न्स में है। चेन वन, टर्न, स्किप द फर्स्ट वन, दिस वन इज वन स्लिप, वन सिंगल, नॉट स्लिप स्टिच, वन सिंगल, नेक्स्ट वन इज वन सिंगल, वन चेन इन दिस, स्किप द वन, टर्न, स्किप द फर्स्ट वन, द नेक्स्ट वन, वन स्लिप स्टिच एंड ज्वाइन विद द स्लिप स्टिच, नाउ इट्स कंप्लीटेड, यस। Cut the thread and now secure it in the back side. It's totally messy. Now work this one. For this we use the light color thread. Just count it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, skip the 8, work in the 9th one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in the 9th one, join it, chain 2, in the next stitch, one half double crochet, in the next, join with the slip stitch, in the next stitch, half double crochet, in the next, join with the slip stitch, like this. Now cut the thread, secure it in the back side, yes, now it's done. देखिए अब हम इसका वर्क कर लेते हैं, ये जो सिल्वर हमने वर्क किया हुआ है, इसके लिए देखिए ये सिल्वर वाले थ्रेड हमने लिया हुआ है एंड ये नीडल में हमने कर लिया है। सबसे पहले देखिए इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से हम इधर जाते हैं। आप इसको भी चाहो, अगर आपने एक पैटर्न रेडी किया हुआ हो तो साथ में उसको भी देखते चले कि सब इक्वल आना चाहिए। बैक साइड में आप चाहें तो एक नॉट दे दें ताकि आपका ये ओपन ना हो। चलिए थ्रेड्स हैं इसी पर ही हम नॉट कर देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आप आगे फ्रंट पे पैटर्न वर्क करें और बैक साइड से ये खुल जाए। एक सिंपल सी नॉट कर देते हैं। एक्चुअली सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों आज मेरी वीडियो बार बार ब्रेक हो रही है और मुझे पता भी नहीं लग रहा है। मुझे लगा मैं वीडियो पे हूँ, मैंने इसका वर्क भी कर दिया बट आप लोग को शो नहीं हुआ, सॉरी फॉर देट। मैं नेक्स्ट आप लोग को दिखा रही हूँ, सेम ही वैसे मैंने वर्क किया। एक्चुअली कुछ मोबाइल में इशू हो गया कि वीडियो स्टॉप हो जा रही है अपने आप ही।
तरीके से ये आ गया। अब यहाँ से एक रैप कर लेते हैं, कि मैं आप लोगों को इसीलिए पूरा क्लियर दिखा दे रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरी वीडियो तो रुक जा रही है बीच बीच में, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड कुछ आ गया है इसको कट कर देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब ये हमारा लास्ट वन है, इस तरीके से ये हमारा रेडी हो गया। बैक साइड पे इसको हम सिक्योर कर देते हैं। जो भी थोड़े लॉन्ग थ्रेड्स हैं इसको कट कर दें। ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया। अब हम इसका बेस वर्क कर लेते हैं। बेस वर्क के लिए देखिए ये हम शीट यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी वर्किंग शीट है, थोड़ी सी गंदी मैसी सी है। इस तरीके से इसी में इसी शेप का इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये हमने इसके शेप का प्रॉपर कट कर लिया। देखिए हम इसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, हमने कट नहीं किया है, जैसे हमने इसमें भी नहीं किया था, आप देख सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इस पर हमने इसको अटैच कर दिया, ग्लू गन का यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही केयरफुल हैंड से करें, सारे थ्रेड्स भी इसके अंदर कर दें इस तरीके से। ये ग्लू गन का यूज़ हमेशा केयरफुल हैंड से करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता है, ये आपका हैंड भी जल सकता है इससे। एक्चुअली मेरा कई बार हो चुका है। एंड अगर आप ग्लू गन यूज़ करते हैं तो आपको मालूम होगा ये चीज़।
जब भी ग्लूगन आपकी हीट हो तो इस पॉइंट को कभी भी टच मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हीट होता है ये एंड आपके हैंड को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। ठीक है, ये हमारा अटैच हो गया प्रॉपर, क्लिप्स हमारी रेडी हो गई है। अब हम इस पे आईज यूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पैटर्न रेडी हो गया एंड आई होप फ्रेंड्स कि पैटर्न आप लोगों को पसंद तो ज़रूर ही आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक तो कर ही दीजिएगा आप फ्रेंड्स, एंड अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड जो भी रिव्यूज़ हो हमेशा आप लोग से कहती हूँ कि हमें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, ये हमारे चैनल को और ज़्यादा मीन्स आगे अच्छा बनाने में हमें हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।